जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। हम लोग दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। इस पे हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दों को साथ में जोड़कर चर्चा की। जब मैं स्वयं में जांच परख करता हूँ तो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मेरे अंदर परिमार्जन होता है। तो जहाँ अभी मैं सिर्फ घटनाशीलता के दायरे में ही क्रियाशील हूँ, उससे आगे बढ़कर मैं अपने अंदर सही समझ, सही भाव सुनिश्चित कर पाता हूँ। और इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसका प्रयोजन भी यही है कि हमारे अंदर सही पे ठीक से ध्यान चला जाए। सही क्या है? तो जो वस्तु जैसी है उस पर मुझे, मैं उसको वैसा ही देख पाऊँ, उसी क्रम में मैं संबंध को देख पाऊँ, व्यवस्था को देख पाऊँ, सहअस्तित्व को देख पाऊँ, जिससे अंदर मेरे अंदर सही भाव, सही विचार सुनिश्चित हो पाए, जिससे मेरा आचरण निश्चित हो पाए, ताकि मैं निरंतर सुख की स्थिति में बना रहूं। पहले मेरे अंदर परिमार्जन हो जाए तब मैं परिवार पे काम करूंगा, या पहले परिवार में परिमार्जन हो जाए तब मैं समाज में परिमार्जन के लिए काम करूंगा, तो ऐसा नहीं है। कोई ऐसा भी सोच सकते हैं कि पहले मानव ठीक हो जाए तब शेष प्रकृति के लिए काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारा जीना स्वयं के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, प्रकृति के स्तर पर हर क्षण होता ही रहता है। तो जितना जितना मैं स्वयं परिमार्जन के लिए काम करता हूँ, तो एक छोर पर मैं अपने आप में अनुभव के लिए क्रियाशील रहता हूँ, प्रयासरत रहता हूँ। दूसरी छोर पर मैं फैल कर सबके साथ व्यवस्था पूर्वक, संबंध पूर्वक जीने का प्रयास करता हूँ। तो मैं मानव के साथ भी जीता हूँ, चाहे परिवार के भीतर हो या परिवार के बाहर, शेष प्रकृति के साथ भी जीता हूँ। और इस बात को मैं जितना ठीक से सुनिश्चित करता हूँ, उतना ही ये जो बात प्रस्ताव के रूप में सामने आ रही है उसका मैं जीने में आकलन कर पाता हूँ। तो आप देखेंगे कि ऊपर जो डायग्राम है उसमें है ना, ऊपर में भी, ऊपर में आई लिखा हुआ है और नीचे में एफ लिखा हुआ है। तो एक छोर पर तो मैं अपने आप में अनुभव के लिए काम करता हूँ, दूसरे छोर पर मैं सार्वभौम व्यवस्था और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी मानवीय परंपरा बन जाए उसके लिए काम करता हूँ। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई। जब मैं स्वयं में अनुभव के लिए प्रयासरत रहता हूँ और अपनी भागीदारी में मानवीय परंपरा के लिए प्रयासरत रहता हूँ, तो सहज रूप से मेरे संबंधों में वो भाव पहुँचता है। जहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ वहाँ व्यवस्था में उसकी एक भागीदारी दिखने लगती है, तो मैं समाज की व्यवस्था में सहज रूप से भागीदार हो जाता हूँ। तो ये बात जो हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में भी किया, UAP2 में भी रखा, कि समाज में साथ साथ रहते हुए हम सबका एक समान लक्ष्य है। क्या है अगर उसको देखें तो, हर व्यक्ति में सही समझ, सही भाव हो जाए यानी समाधान हो जाए, हर परिवार में समृद्धि हो जाए यानी क्या हो, तो सुविधा की आवश्यकता की निश्चित पहचान हो जाए और उससे अधिक वो उत्पादन पूर्वक पूरा कर ले, समाज में परस्पर अभय हो यानी हर व्यक्ति के अंदर संबंध का भाव, और प्रकृति में सहअस्तित्व हो यानी हम अपने संबंध को शेष प्रकृति के साथ भी देख पाए और उनके लिए पूरक हो पाए, ऐसा ही चाहेंगे। अपनी सहस्वीकृति को देखते हैं तो इसमें कोई अपवाद नहीं दिखता, हर व्यक्ति ऐसा ही चाहता है। हमारी जितनी शिकायतें हैं समाज को लेकर, आप पाएंगे इन्हीं में से किसी न किसी के पूरा ना होने से या इन सबके पूरा ना होने से है। तो व्यक्ति तनाव में है, चिंता में है, परेशानी में है, दुख में है। क्यों? क्योंकि सही समझ, सही भाव के लिए काम नहीं हो रहा, वो स्वयं में सुनिश्चित नहीं कर पा रहा। इतना सारा परिवार में संग्रह के लिए काम हो रहा है फिर भी दरिद्रता का भाव बना हुआ है, लूट खसोट चल रहा है, छिना झपटी चल रही है, परिवारों में चल रही है, परिवार परिवार के बीच में चल रही है। क्यों? क्योंकि समृद्धि का भाव स्पष्ट नहीं है। अभी अगर ठीक से बैठ के आकलन करें ना, तो भारत देश में आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे ऐसे परिवार हो गए हैं जिनके पास आवश्यकता से पहले से ही अधिक है, सीमा को पहचान नहीं पा रहे, इसलिए सुविधा संग्रह में लगे हुए हैं और उसके लिए दूसरों का शोषण कर रहे हैं। वैसे समाज में देखें तो हम चाहें कि हरेक के अंदर संबंध का भाव हो, कहीं भेद ना हो, हरेक के अंदर हरेक के प्रति सम्मान का भाव हो, विश्वास का भाव हो। तो जो शिकायतें हैं वो इसलिए है कि ये पूरा नहीं हो पा रहा है ना, भेद हो रहा है, भेद के कारण संघर्ष हो रहा है, संबंध की स्वीकृति नहीं बन पा रही, तो स्नेह के बजाय द्वेष हो रहा है। और इसको फैलाते जाए तो अखबार में जितने भी समस्याओं के न्यूज आते हैं आप देखेंगे यहाँ से जुड़े हुए है ना, टीवी पे जितने भी हम समस्याओं की समीक्षा देखते हैं आप पाएंगे यहाँ से जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही प्रकृति में दोहन तो चल रहा है, और चूंकि अभी हमें लगता है कि ठीक है कुछ समय तक और काम चल जाएगा, तो हम उसके प्रति कई बार उतने गंभीर नहीं होते, परंतु कुछ मुद्दों पर गंभीर होना पड़ता है। जैसे जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है, सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो हमको लगता है कि भाई कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जब पीने को पानी नहीं बचता धरती में, तो लगता है कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मिट्टी में हम अनाज पैदा करते हैं और उससे भयंकर बीमारियां होने लगती हैं, कैंसर होने लगता है, तो लगता है कि इस पर कुछ ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम सहज होकर, सजग होकर देखें, तो हमको दिखता है कि हर क्षण हमारी भागीदारी है शेष प्रकृति के साथ। हमें ये देखना बनता है कि जहां भी हम रह रहे हैं वहाँ मिट्टी, हवा, पानी, पशु पक्षी, ये सब पहले से बेहतर हो रहे हैं कि नहीं, पुष्ट हो रहे हैं कि नहीं। आमतौर पर यह होता है कि अगर इनको छीन करके हमारे घर में सुविधा बढ़ती है तो हम इनको छीन कर देते हैं, परंतु समय के साथ पता चलता है कि चूंकि हमने इनको छीन कर दिया इसलिए हमारी सुविधा की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है ना। अब हर घर में RO की आवश्यकता बन गई है पानी के शुद्धिकरण के लिए, अब धीरे धीरे एयर प्यूरिफायर की आवश्यकता बनने लगी है। अब ये सब
जब हमको घर में जुटाना पड़ता है तो उसके लिए हमको सुविधा कमानी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए हमको समय लगाना होता है ना, समय जितना ज्यादा इसमें लगाना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, संबंधों पे उतना कम ध्यान जाता है, समझने पे उतना कम ध्यान जाता है, तो स्वयं में चिंता परेशानी दुख बढ़ता है, परिवार भी टूटने लगते हैं, परिवार में बिखरा होने लगता है। अब इसको कनेक्ट करके नहीं देख पाते कि चूंकि हमने प्रकृति को छीन कर दिया, प्रदूषित कर दिया, खराब कर दिया, इसलिए उसका फल परिणाम घूम कर इस तरह से आ रहा है, इन बातों को हम नहीं देख पाते। वैसे समाज में अगर हम व्यवस्था को ध्यान न दें तो समाज में जो भय बढ़ता है, आतंक बढ़ता है, उसके लिए हमको फिर ढेर सारा सुविधा कमाना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है ना। अब हर घर में सीसीटीवी कैमरा लगाना एक मस्ट हो गया है कि दरवाजे पे जो बेल बजा रहा है वो कैसा व्यक्ति है पता नहीं है, उसके साथ कभी हमने संबंध को पहचाना नहीं, तो हर घर में सीसीटीवी कैमरा लगना है, हर कॉलोनी में सिक्योरिटी कॉलोनीज में, शहरों में तो धीरे धीरे जो सिक्योरिटी की आवश्यकता और बढ़ती जा रही है। तो अगर हम समाज के साथ संबंध को न पहचाने, जिन कॉलोनीज में हम रह रहे हैं उनके साथ हम संबंध का निर्वाह ठीक से न कर पाए, आपस में मिलजुल ना पाए, तो यह असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। फिर इन सबसे निपटने के लिए हमको और पैसा कमाना पड़ता है, और पैसा कमाने के लिए और समय लगाना पड़ता है, उस क्रम में फिर हमें अपने आप में समझने के लिए समय नहीं रहता, परिवार के लिए समय नहीं रहता, फिर स्वयं में हम चिंता परेशानी से घिर जाते हैं, परिवार में फिर बिखराव होने लगता है, तो देखेंगे तो पाएंगे एक विशेष साइकिल में फंस जाते हैं। तो अगर हम समय रहते इस पर ध्यान दे दें, है ना, कि समाज में भी परिमार्जन की आवश्यकता है, तो नीचे जितनी सारी समस्याएं लिखी हैं उससे हम ट्रांसफॉर्म करके एक मानवीय समाज के हिस्सा बन जाते हैं, और आप पाएंगे कि ये सहज रूप से होने ही लगता है, धीरे धीरे एक अभय की ओर जा रहे हैं, समाज में अभय की ओर जा रहे हैं। तो इसमें मूल कार्यक्रम दिखाई देता है कि स्वयं में सही समझ सही भाव को सुनिश्चित करना, और उसके लिए एक सिस्टम तैयार करना, शिक्षा संस्कार की परंपरा तैयार करना। तो जितना जितना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है उतना उतना सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जितना सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है उतना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अनुकूलता बनती जाती है। तो जहां अभी हम एक कुचक्र में फंसे हैं उसके बजाय हम पीढ़ी दर पीढ़ी एक मानवीय परंपरा को, है ना, सुनिश्चित कर पाते हैं कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की भी आवश्यकता है और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन की भी आवश्यकता है। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। और इसीलिए आप पाएंगे कई बार भागीदारी की बात होती है कि अगर हम भागीदारी को करने जाते हैं ना तो स्वयं में ज्ञान की और आवश्यकता बनी हुई है, हमको स्पष्ट होता है कि अभी हमने समझा नहीं है, अभी हमारा भाव ठीक हुआ नहीं है। तो जितना जितना हम समाज की व्यवस्था में भागीदार होते हैं, फैलकर मुख्य रूप से शिक्षा संस्कार योजना में अगर हम भागीदार होते हैं तो हमारा अपने ऊपर बारीकी से ध्यान जाता है ना, और जितना हमारा अपने ऊपर बारीकी से ध्यान जाता है हमारे चारों तरफ शिक्षा का वातावरण और बेहतर होता जाता है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सुनिश्चित करने की जरूरत है ना, कि अभी जहां मानव उलझा हुआ है मान्यता या संवेदना के दबाव में ही कल्पना कर रहा है, उसी के आधार पर जीने का एक क्रम बना लिया है, उससे निकलकर स्वयं में ज्ञान को पूरा कर पाए, और मानव के अनिश्चित आचरण के कारण जो समाज में अव्यवस्था बनी हुई है उससे निकलकर समाज में मानव लक्ष्य को पूरा कर पाए, इस संक्रमण को हम सुनिश्चित कर पाए तभी हम विकास कर रहे हैं, व्यक्ति के रूप में भी समाज के रूप में भी। तो शिक्षा संस्कार से ये उपलब्धि होती है कि हम व्यक्ति में परिमार्जन के लिए काम कर पाते हैं, और जो व्यक्ति में परिमार्जन हुआ वो समाज में परिमार्जन का आधार बन जाता है। अल्टीमेटली देखें तो जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण होने की बात है व्यक्ति के रूप में, समाज में देखें तो अमानवीय से मानवीय समाज में संक्रमण होने की बात है। जी गुड मॉर्निंग। स्वयं में तो बहुत ज्यादा परिवर्तन नजर आ रहा है, व्यवस्था जो हमारी फैमिली में उस प्रक्रिया में भी हम लोग अगर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं तो ऑब्वियसली दूसरे जो अदर पर्सन है उसके ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ही। पर यहाँ पर एक चीज, जैसे आपने कैमरा सोसाइटीज में हर घर में कैमराज हैं, तो यहाँ पर मेरा एक ऐसे अगर मैं सही तरीके से समझ पा रही हूँ तो अगर सोसाइटी में इक्वालिटी हो तो इक्वालिटी से शायद कुछ हद तक अगर व्यवस्था सरकार में भी ये अवस्था हो सोसाइटी और अगर सरकारें भी अपनी भागीदारी निभाए तो ऐसे लगता है कि इस इक्वालिटी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती है सोसाइटी में। जी देखिए इक्वालिटी किस बात की है ये पहले तय होना जरूरी है, किस चीज को इक्वल बनाने की सोच रहे हैं हम? सर इक्वालिटी तो भाई हर एक के पास इतनी सुख समृद्धि हो कि वो अपना खाना रहना और पहनना कर सके, बस इतना ही। कुछ लोगों के पास तो बहुत सारा है,
और मैं इसको कुछ लोगों के पास। मैं इसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो फिर क्या हुआ, हमको लगता है कि समाज में व्यवस्था हो जाएगी अगर सबके पास समान रूप से सुविधा हो, जी जी है ना। अभी देखिए इसमें कठिनाई हो गई, क्या हो गया, हमने सुविधा को केंद्र में कर दिया। अब अगर मनुष्य को सुविधा की आवश्यकता की पहचान ही ना हो और हम सुविधा को समान भी बना दें, उससे किसी के अंदर समृद्धि का भाव नहीं आएगा, न संबंध का भाव आएगा। कि कई बार ऐसा सोचा गया कि अगर सुविधा की समानता हो जाए तो समाज में एकरूपता हो जाएगी, समाज में व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। फिर लोग बहुत सारी चीजों की तुलना करना शुरू करते, भाई हमने तो इतना श्रम किया, मुझे इतनी सुविधा, उसने बहुत कम श्रम किया फिर भी उसको इतनी सुविधा, तो हम श्रम क्यों करें। तो फिर अपने अपने श्रम को कम करने जाते हैं। या अगर सम्मान पाना है सुविधा से, तो हमको लगता है जब समान ही सुविधा होगी तो सम्मान के लिए कार्यक्रम क्या है, तो हम कुछ ना कुछ फिर विशेष होने जाते हैं। भाई सुविधा तो समान है परंतु हमारी सुविधा ज्यादा विशेष है। तो अगर हम सुविधा को केंद्र में रखें तो इससे ना मानव तृप्त हो पाता है, न परिवार में समृद्धि हो पाती है, न समाज में अभय हो पाता है, न प्रकृति के साथ जीना ठीक हो पाता है। तो जो समानता की बात हम करते हैं ना और उसको सुविधा को केंद्र में ले आते हैं, इससे कोई मानव लक्ष्य पूरा हो जाएगा, समाज में व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर समानता की बात करनी हो तो हमें समझ की बात करनी होगी कि हर व्यक्ति में सही समझ सही भाव हो, और चूंकि समझ अपने आप में निश्चित है तो समानता होगी। अगर मैं अपने आप को समझ पा रहा हूँ, आप अपने आप को समझ पा रही हैं, तो हमारी समझ में समानता होगी। अगर मैं सुविधा की आवश्यकता की पहचान करके समृद्धि के भाव को स्वयं में देख पा रहा हूँ, आप भी सुविधा की आवश्यकता की पहचान करके समृद्धि के भाव को अपने आप में देख पा रही हैं, समानता होगी। तो कई बार हम लोगों ने परंपरा में बहुत सारा प्रयास किया है ना जी, परंतु हम मूल मुद्दे से चूक गए। जैसे अगर आप देखें जो रिवॉल्यूशन हुए वेस्ट में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इटालियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जी जी जी, तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, इन सबको हमने लक्ष्य बनाया जी। ठीक, अब इक्वालिटी किस टर्म में, ये क्लियर नहीं हुआ, किस बात से लिबर्टी चाहिए। जी, तो अगर हम मान्यताओं से सुखी होने जा रहे हैं, संवेदनाओं से सुखी होने जा रहे हैं, तो हमको उससे लिबरेट होना है, वो हमको ध्यान में नहीं आए, हम सोचे कि दूसरे से लिबरेट होना है, तो फिर वो मनमानी में ही जाएगा, है ना। हाँ जी, समझने के लिए तो सर ये बहुत ही ऐसे लग रहा है कि अगर शब्द तो मैंने बोल दिया पर इसके पीछे बहुत सारा एक व्यवस्था की जरूरत है। हाँ, तो सर एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ, मैं इसको पूरा कर दूं। हाँ, जी, फिर हमने फ्रेटर्निटी की बात की। अब हमको संबंध का भाव ना दिखाई दे और हम फ्रेटर्निटी की बात करें, तो फिर लगता है मेरे समुदाय के साथ फ्रेटर्निटी हो जाए, बाकी समुदाय को तो हम मिलकर शोषण करें। तो हमने लक्ष्य बहुत सारे बनाए परंतु उसमें मूल में जो स्वयं में परिमार्जन होना है वो हमको नहीं दिखाई दे। तो अपंग रिवॉल्यूशन हुए, रिवॉल्यूशन के बाद जो नई सरकारें बनी उन्होंने और ज्यादा शोषण किया, और ज्यादा संघर्ष चला, ऐसा भी हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए आपको दिखता है अब कि अल्टीमेटली मुद्दा सुविधा का नहीं है। तो क्या हो गया, एक मान्यता बन गई कि मानव शरीर है, सुविधा ही सुख है, और इसलिए फिर हम हर समाधान को वहां देखने लगे, इसलिए फंस गए। हाँ जी, उसमें ध्यान केंद्रित होने लग गया ना, सेंट्रलाइजेशन हमने उसमें कर दी। राइट सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सर, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि हम बोलने में तो बहुत जल्दी हर चीज बोल देते हैं, पर उसको समझने के लिए ना हमारे पास पढ़ते भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं, पर फिर उस फोकस से नहीं देख पाते ना, जिस चीज तरीके से हम लोगों ने UHP में सीख रहे हैं जी। और देखिए, तो अभी हम सरकार की बात करते हैं कि सरकार ऐसा प्रोविजन कर दे। देखिए, सरकार को भी तो हम ही चुनते हैं, तो चूंकि हम ही प्री कंडीशन होते हैं, हम ही संवेदनाओं से सुखी होने मिलते हैं, तो फिर हम सरकार को भी इसी आधार पर चुनते हैं जो मेरी मान्यताओं को पूरा कर दे, संवेदनाओं को तृप्त कर दे, है ना। फिर उसी में हम उसी आधार पर चयन करते हैं। तो अल्टीमेटली सरकार का भी मुद्दा नहीं है, सुविधा का भी मुद्दा नहीं है, स्वयं में परिमार्जन का मुद्दा है, जिससे समाज में परिमार्जन होगा। तो सर ऐसे परिमार्जन करने से तो डेवलपमेंट थोड़ा सा ऐसे लग नहीं रहा कि स्लो स्पीड से चलेगा, क्योंकि हर कोई तो समझना नहीं चाह रहा ना। देखिए, अभी बढ़िया, ये तीसरा जो मुद्दा है ना, तो पहला मुद्दा सुविधा का है, उस पर हम लोगों ने बात की, फिर सरकार का है, उस पर बात की, अभी डेवलपमेंट का मुद्दा है। इनफैक्ट आप जो इश्यूज रेज कर रही हैं, अभी जनमानस में यही सारे मुद्दे फंसे रहते हैं। हमको लगता है अगर हम ज्ञान के लिए काम करेंगे तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। अभी हम जिसको डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे वो स्थिति बनी है जिसको नीचे काले में दर्शाया गया है। जी जी जी, हाँ जी, कि नहीं,
तो डेवलपमेंट किसका होना है आपको समझ में आया कि डेवलपमेंट तो सेल्फ का होना है, ठीक। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए शरीर साधन है, शरीर के लिए सुविधा साधन है, तो अगर हम इस विधि से काम करेंगे तो सही दिशा में डेवलपमेंट होगा। अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, अब उससे भय बढ़ता जा रहा है। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि अगले 20 साल में धरती भयावह स्थिति से गुजरेगी, क्योंकि है ना, हम टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर देंगे कि मानव उसको खुद ही हैंडल नहीं कर पाएगा। तो डेवलपमेंट सही विधि से होगा, ना कि डेवलपमेंट रुक जाएगा। हाँ जी सर, सर उस सुविधाओं में ना ये जो आदमी फंस रहा है ना, हर कोई एक फोन में ही बिजी हो रहा है, ये भी बहुत प्रॉब्लम ऐसे आ रही है कि वो चीजें जो आप कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, यहाँ पर हर आदमी का ध्यान ना अपने को समझने में, तो वो टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाह रहा, वो कह रहा वो टाइम वेस्ट है। और जो फोन है, फोन से ज्यादा बिजी रहना उसमें और उसको छोड़ना नहीं, और ऐसे लग रहा है जैसे वो फोन में ही PhD करने लग रहे हैं। हाँ। जी जी सर, तो आप पाएंगे कि अभी हमने इतनी तकनीकी तो एडवांस कर ही लिया है कि बहुत सारे साधन सहज रूप से उपलब्ध हो गए अपने को, अब उनके सदुपयोग की बात रह गई। तो फोन अभी देखिए इतना बढ़िया आ गया है, ठीक, एक बार चार्जिंग कर दिए दिन भर चलता रहता है। अब वो दिन भर हम क्या कर रहे हैं फोन के साथ, ये मुद्दा है, सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हम फोन पे अगर ज्यादातर लोग तो दुरुपयोग ही कर, ऐसे दिखने में लग रहा है मेरे को। जी जी, उसका सदुपयोग कर ले सर, मना करने पर भी फैमिली में तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारे परिवारों में ऐसे प्रॉब्लम होने लग गया कि किसी को भाई जो बंदा थोड़ा सा फ्री बैठा है ना, चलो अभी फोन उठाओ, नहीं तो टीवी भी लगा लो साथ में, साथ में और भी डिवाइस लगा लो, सारे डिवाइस चल रहे हो रहे, उसको खुद खुद को ही पता नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहा है। देखिए, तो जब तक ये स्वयं का जो परिमार्जन है ये हमारे विचार के केंद्र में ना आ जाए कि मूल मुद्दा ये है, ये हमारे भाव के केंद्र में ना आ जाए कि हाँ जी, तो वही सीखो, मेरे को ऐसे लग रहा है वो प्रतंत्र जो शब्द है ना वो यहाँ पर बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है कि वो प्रतंत्रता में जा रहा है क्योंकि वो स्वयं के अपने भाव को समझ नहीं पा रहा, राइट ना सर जी। और क्या, तो वही अगर हम समझ पे काम ना करें, साधन बढ़ाएं, तो हम और प्रतंत्र हो जाते हैं, राइट सर। ये सर, सर ये बहुत ज्यादा इस बात को लेके ना होना चाहिए, अवेयरनेस लोगों को देनी चाहिए कि हम जिस भी डिवाइस का अगर हम लोग इन्वेंशन कर रहे हैं तो उसके साइड में कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर देने चाहिए कि स्वयं के भाव को भी साथ साथ चलना चाहिए, कि सारी टेक्नोलॉजी जितनी भी है डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ साथ ये प्रोग्राम, सर मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत जरूरी है। जो एक्सचेंज स्टोरेज की जब बात आती है या सोशलिज्म की बात आती है, तीन तरह की इकोनॉमी दुनिया में है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड ये है कि सब कुछ कैपिटलिस्ट रहे, मतलब है कि सब काम जो है प्राइवेट सेक्टर ही करेगा, जैसे अमेरिका में है कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, रेलवे, सब कुछ गवर्नमेंट, सब कुछ प्राइवेट होता है, पैसा कमाना पाप नहीं है और जिसका मेरिट है जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकता है। दूसरा जो है उसको बोलते हैं सेकंड वर्ल्ड, ये है कम्युनिस्ट। कम्युनिज्म ये है कि पैसा कमाना पाप है, इट रिजल्ट्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, और इसलिए सब कुछ जो है गवर्नमेंट को ही करना चाहिए। तो पैदा होते ही हर आदमी गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, अमुक इतने स्क्वायर फीट से ज्यादा घर आप बना नहीं सकते, इससे ज्यादा पैसा आपके अकाउंट में हो नहीं सकता, एक से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते, हर तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है, दैट इज कम्युनिस्ट फिलोसॉफी। तीसरा जो है दैट इज सोशलिस्ट, जो जिसको हम नेहरूवियन मॉडल या सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल होता है, कि कुछ काम गवर्नमेंट करे जो वेलफेयर स्टेट जिसको हम बोलते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्राइवेट के होते हैं, और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो है ये मिक्स्ड मॉडल या जो सोशलिस्ट मॉडल जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं। तो ये तीनों में जो हमेशा जो संघर्ष चलते रहता है, कि जैसे हम कोल्ड वॉर की भी बात करें कि कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिज्म, तो उसमें भी ये चीज था, लेकिन अब हम चाइना में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चीजें जो है वो कैपिटलिस्ट होते जा रही है, तो वो खुद कम्युनिज्म की जो मार्क्स लेनिन की जो फिलोसॉफी थी उससे दूर हटते जा रहे हैं। तो ये तीन बेसिक फिलोसॉफी है, और उसमें हमको ये देखना चाहिए कि जैसे प्राइवेटाइजेशन होता है, कुछ लोग प्राइवेटाइजेशन को अपोज करते हैं, तो ये साइकिल चलते रहती है कि गवर्नमेंट ठीक से नहीं करती तो लगता है कि प्राइवेट को दे दे, प्राइवेट वाले जब ठीक नहीं करते तब लगता है कि वो प्रॉफिट के पीछे चले जाते हैं, तो गवर्नमेंट सोचती है कि हम इसको रेगुलेट करके ये करें। फिर एक उस टाइप का कम्युनिज्म में ये थिंकिंग होता है कि रॉबिनहुड टाइप का, कि जो अमीर लोग हैं इनको लूटो और गरीबों में बांट दो,
ये कम्युनिस्ट टाइप का थिंकिंग हो जाता है। तो ये तीन तरह का जो इकोनॉमी है इसमें हमेशा ये संघर्ष चलते रहता है, और इसलिए हमको जो एक्सचेंज स्टोरेज है कि हमारी जो प्रॉपर नीड्स है उसका असेसमेंट क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करना है, और फिर संबंध का जो एक दूसरे के साथ वो समझना जरूरी है। मोबाइल अपने आप में बुरी बात नहीं है, हम उसको इसीलिए यूज कर रहे हैं कि हम राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करें, दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए यूज करें, तो फिर वो उसका यूज है। और अदरवाइज फिर ये पर्पस यदि हमारा सही ना हो तो फिर उस चीज का मिसयूज भी होता है। सो इट इज जस्ट ए टूल, जैसे चाकू होता है, चाकू से मर्डर भी कर सकते हैं, चाकू से सब्जी भी काट सकते हैं, चाकू से स्कैल्पेल से डॉक्टर किसी की जान भी बचा सकता है। सो ये सब टूल्स है, अब इसका यूज करना कि मिसयूज करना कि अब्यूज करना, ये तो यूज करने वाले पर डिपेंड करता है। थैंक यू। और उसका सदुपयोग कैसा हो उसके लिए ही तो समझ विकसित करनी है। हम संसाधन बढ़ाते जाए पर सदुपयोग की समझ ना हो तो हमारे लिए समस्या बन जाती है। उसकी पूरी वजह जो है वो कहीं ना कहीं मानव जो है वो केंद्र में नहीं रहा, और सारी जो बातचीत हो रही है वो सुविधाओं को लेके ही होती रही। संसाधन लूटने हैं या संसाधन मेरे पास ज्यादा होना चाहिए, और को मिले या ना मिले, तो किसी ने संसाधन का संग्रह किया और उसको लेके फिर किसी ने उसके बारे में कमेंट किए, बहुत से कम्युनिस्ट हो या बहुत से तंत्र आए इसके। आज बात हो रही है कि मुझे मानव दिख जाए और ज्ञान की श्रेष्ठता दिख जाए। यदि मुझे मानव दिख जाएगा, ज्ञान की श्रेष्ठता दिख जाएगी और वस्तुओं का सदुपयोग दिख जाएगा, तो फिर हम इस स्वतः ही इस सारी चीजों का जो संघर्ष चल रहा है वो संघर्ष स्वतः ही समाधान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं जो देख पा रहा हूँ अभी पॉलिटिक्स में या जहां भी जो चल रहा है, अभी भी हम सही जगह पे नहीं है, और सही जगह पे जब भी हम आएंगे तो हमें समाधान के रास्ते से ही निकलना पड़ेगा, सदुपयोग को ही देखना पड़ेगा। कितने ही प्रकार के विश्व में सिस्टम बन जाएं, लेकिन अभी वो सारे सिस्टम फिजिकल वर्ल्ड को लेके बन रहे हैं, मानव अभी भी केंद्र में नहीं है। और यही एक आशा की किरण है कि जो अपन लोग चर्चा कर रहे हैं कि मानव केंद्र में आ जाए, है ना, ज्ञान केंद्र में आ जाए। तो भैया इतनी ही बात में से जी नमस्ते। और सभी को नमस्कार। सर मैं एक पॉइंट रखना चाह रहा था, जैसे अभी मैडम कह रही थी विकास, हर एक आदमी मैंने देखा सब विकास विकास की बात करता है। अब मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल फीलिंग है, ये विकास नहीं कर रहे, विनाश कर रहे हैं साहब। मेरा मैंने साहब एक एनालाइज करके देखा, मेरे काफी दोस्त हैं नोएडा अथॉरिटी में, कि ये सपोज करो साल भर में करीब 20 करोड़ का काम करते हैं, तो कम से कम नहीं है तो ये 100 करोड़ का नुकसान कर देते हैं, पहले से जो चीजें बन रही है उन्हें तोड़फोड़ कर देते हैं उल्टी। तो विकास का साहब हम यही नहीं समझ पा रहे, विकास है क्या? एक समस्या पैदा करने को विकास मान के चल दिए हैं साहब। अभी साहब मैंने अपने गांव में जाकर देखा, पहले मक्का जो है बिना किसी दवा छिड़के हो जाती थी पेस्टिसाइड के, अब उसमें भी दवा छिड़कनी शुरू कर दी है। अब आप इसे क्या कहें साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ साहब। नहीं नहीं, कहने की बात यह है कि व्यक्ति में समझ हो जाए। देखिए समस्या की ओर ध्यान देना ठीक है, समस्या की समीक्षा करना ठीक है, बट समस्या ग्रस्त हो जाना उससे ठीक नहीं है। तो समस्या तो साहब वो तो मैं साहब वही तो कह रहा हूँ, विकास के नाम पे हम समस्या ग्रस्त ही हो रहे हैं। मेरा कहने का केवल इतना ही वो है, हम सब विकास नहीं कर रहे हैं, हम विनाश ही कर रहे हैं, और सबको हमने इसमें और विकास के नाम पर फंसाते जा रहे हैं। कभी कभी मैं कहता हूँ साहब, विकास किस लिए किया जा रहा है? वो जो अपना सो कॉल्ड एक देसी लैंग्वेज में कमीशन कहते हैं, चाहे उसे बिजनेसमैन ले, चाहे सरकारी अधिकारी ले, जो भी ले, केवल उसके लिए सब चीजें हो रही हैं सर। अच्छा, अभी उसके बहुत विस्तार में नहीं जाते हैं, मतलब है ना, फिर ऐसा लगता है कि उतनी सार्थक नहीं हो रहा है। ऐसा भी नहीं है, बहुत कुछ सार्थक हो रहा है, परंतु अभी जितना हमने तकनीकी बढ़ा लिया है उसे सदुपयोग किया जाए ठीक से, तो शिक्षा संस्कार बहुत सहज सुलभ हो सकता है। जिस पर बात हो रही थी कि अगर ऑनलाइन मोड में हम इस कंटेंट को पूरे विश्व तक ले जा पाए, इसकी पूरी संभावना है, तो शिक्षा बहुत सहज सुलभ हो सकती है, स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत सहज और सुलभ हो सकती हैं। व्यक्ति के अंदर एक चीज आप साहब देखिए, पहले एवरेज हम 32-35% प्रोडक्शन करते थे पूरे वर्ल्ड का, आज की तारीख में हम विकास के नाम पे कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं? हमने पूरी पॉपुलेशन को NCR, बॉम्बे, कलकत्ता, इन सब जगह इकट्ठा करते जा रहे हैं, और हम इससे रिजल्ट क्या ले पा रहे हैं साहब, कोई बताए? बढ़िया भैया, बढ़िया। तो देखिए ये परिमार्जन पे काम करने की जरूरत है। एक तो हमारे स्वयं में परिमार्जन हो, तब तो हमारे आसपास के समाज में परिमार्जन की संभावना बनेगी।
फिर ये जो आसपास में परिमार्जन होगा उससे जो नए शिशु तैयार है समाज में, है ना, नए शिशु आ रहे हैं उनके परिमार्जन की संभावना बनेगी। ठीक बात है, तो स्वयं के परिमार्जन को हम केंद्र में रख के चलेंगे तब तो हम समाधानित होंगे, नहीं तो हम आसपास की समस्याओं को देखकर हम खुद ही परेशान हो जाएंगे। अभी साहब हमारे गांव में तालाब वगैरह बना CSR एक्टिविटीज है, अभी नरेश जी अभी उसे बहुत नहीं जाते हैं, समस्याओं का है ना बहुत सारा विश्लेषण हो सकता है। नहीं तो जी नहीं साहब, मैंने तो साहब एक वो जैसा समझाने वाली बात कर रहे हो ना साहब, मैंने समझाया और मैंने उल्टे सीधे पेड़ लगाने से बढ़िया आप इसमें फल के पेड़ लगा लो, नींबू के पेड़ लगा लो, तो वो जो हमारे प्रधान है वो हमारा भाई लगता है तो उसकी समझ में बहुत आया, बोले भैया ये बात तेने बहुत बढ़िया बताई, ये वीडियो आके कह रहे हैं ये पेड़ लगा दो, ये सब फाइकल फाइकल बेकार की चीज है, अरे मेरी हाले लगने मत दे उखड़वा दे इन सबको। तो साहब वो बड़ा खुश हुआ, बोले भैया तने बड़ी बढ़िया बताई, ये नींबू फ्री के मिलेंगे, हम आंवला मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अरे मेरी यही तो सोचने की बात है, काम तो फिर भी करना उतना ही। तो साहब समझ में आती है यदि आप उन्हें समझा दो, तो ऐसा नहीं है वो नहीं समझ रहे। जी 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 सर, जी सर बढ़िया भैया। एक प्रश्न है कि आई और एफ का क्या मतलब, आई मतलब इनिशियल और एफ मतलब फाइनल। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। तो जैसे यूएचवी कंटेंट मिला भैया तो मेरा भी एक तरह से ये हुआ कि कितना अच्छा कंटेंट मिला है, तो सबसे पहले उसका हम देखते हैं कि हमारे परिवार में या हमारे जो बहुत करीबी मित्र हैं उनके साथ हम अपनी बातचीत में उस कंटेंट को रखते हैं, लेकिन अगर हम उसमें हमारे परिमार्जन पर काम नहीं करते हैं और हम इसको समझ के अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं तो एक तरह से बाहर से पर्टिकुलरली जो क्लोज फैमिली है उसमें से एक विरोध आता है, और मेरे बहुत सारे प्रश्न आपसे भी रहे हैं और कई सारे रिसोर्स पर्सन से इस बारे में रहे हैं, तो मैंने देखा भैया महीना भर मेरा बहुत ही ज़्यादा मेरा जो परिवार में जो विरोध परिवार से जो विरोध मिला और जो मेरे अंदर एक संघर्ष और वो सारा चला था वो एक महीने में और बढ़ता गया, क्योंकि मैं स्वयं में परिमार्जन के बजाय इस कंटेंट के महत्व को देखते हुए उसको चाह रहा था कि अभी से एकदम से बाकी लोग भी समझ लें। तो कई बार ऐसे प्रश्न के बाद आप लोगों से जो मार्गदर्शन मिला उसमें ये फिर समझ में आने लगा, और फिर थोड़ा क्योंकि अभ्यास सत्र में जुड़े थे तो वहां से भी कुछ समझ बढ़ने लगी, तो उसके बाद में कुछ ऑटोमेटिक एक परिमार्जन आने लगा, और उस परिमार्जन में ये समझ में आने लगा कि क्योंकि ये कंटेंट मैंने समझा है और मेरे अंदर इस तरह के भाव बने हैं तो पहले मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए, और परिवार में से कुछ मेरी वाइफ ने तो ये बोल भी दिया था कि क्योंकि उससे पहले भी मैं कई सारी चीजों से जुड़ करके वो कंटेंट हमेशा घर में ला करके उनके ऊपर थोपने की कोशिश करता था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कई बार हम बहुत अंदर से भी वो जो जब तक रहता है कि हमें इसको समझाना ही है, बाहर से हम उस तरह से नहीं होते हैं उतना स्ट्रांगली नहीं रखते हैं और हम एक बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में उसको रखते हैं तब भी वो लोग महसूस करते हैं। तो मेरी वाइफ ने बोल दिया कि इस पहले बहुत सारी चीजें आपने की हैं और जब भी आपने की है तो आप उसको लाते हो लेकिन आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया, तो वो बड़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन रहा मेरे लिए, और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि आप पहले 6 महीना आप करिए और आपके अंदर जो परिवर्तन होगा हम देखेंगे, उसके बाद हम इस पर हम खुद भी इसके बारे में विचार करेंगे। तो ये जो लाइन थी, और मेरी बिटिया ने भी एक बार रिएक्शन करते हुए बोला कि आपको तो एडिक्शन हो गया इन चीजों का, तो ये जो पंचेस थे उसको मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया क्योंकि आप लोगों का मार्गदर्शन मेरे साथ था। तो उसके बाद लगभग 1 महीना वो जो संघर्ष चला उसके बाद मेरे को कुछ सी समझ में आई और मैंने सारा जो जोर था अपने एक्सप्लोरेशन पे, और दूसरा भैया जो आप बहुत इंपॉर्टेंट बात हमेशा कहते हैं कि हमारा एक अजम्पशन है कि ये 4 लोगों के साथ 6 लोगों के साथ ही काम करना है, वो मेरा भी था पहले, बेसिकली 70-80% टाइम उसी रीजन में काम करते हैं उसी एरिया में काम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम ट्रस्ट और रिस्पेक्ट और स्नेह के भाव को नहीं समझ पाते हैं और जो प्रेम तक की बात की गई उसको समझ नहीं पाते हैं, वो हमारे भाव में होता ही नहीं, विचारों में होता है भाव में नहीं होता है, तो वो भाव में जो है बीज में जो है वही प्रकट होता है, विचारों पर आप कितना ही काम करो उतना इफेक्टिवली काम हो नहीं पाता है। तो जब भाव के तल पर काम शुरू हुआ आप सबके मार्गदर्शन से तो मैंने उसका जो इफेक्ट देखना शुरू किया, तो सबसे पहले मेरे अंदर उसका इफेक्ट आया और सबसे पहली बात जो समझ में आई जो गहरी बात समझ में आई है सुख स्वभाव है प्रभाव नहीं है, और बाहर से जो हम अगर जब तक बाहर की चीजों को लेकर के उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करेंगे तब तक चीजें ऐसे ही चलती रहेगी। फिर अभी 60-70 में भी जाने का मौका मिला भैया तो वहां और क्लियरिटी आई, और उसके बाद जो क्लियरिटी आई वो मैं शेयर करना चाह रहा था
जो अभ्यास में आपने समझाया था उसमें एक जो मैं द्वारा शरीर को हम देखते हैं वहां पर फिफ्थ सिक्स स्टेप में जाके जो बात होती है, तो वहां जो गहराई से मुझे समझ में आया भैया कि वो एक आपने सीक्वेंस में जो समझाया था उस आर सत्र में भी रखा गया था, उसमें छह बाहर की स्टेप है और पांच भीतर की स्टेप है। बाहर की जो है वो शरीर से संबंधित है और भीतर की जो है वो जीवन से संबंधित है। तो भैया बाहर का तीन सोर्स आपने बताए थे इस कंटेंट में जो दिया गया है कि बाहर के दो सोर्स बताए, बाहर का वातावरण और बाहरी बाह्य व्यक्ति का व्यवहार, और जो तीसरी चीज है वो भीतर से है शरीर में हो रही कोई घटना। पर इन सब का जो प्रभाव आता है वो शरीर पर पड़ता है और शरीर में उसके अकॉर्डिंग संवेदना होती है और मैं उस संवेदना को पढ़ता हूँ। तो मैं इस तरह से शरीर से दूर होते हुए संवेदना को पढ़ता हूँ और अब जो भीतर का प्रोसेस है कि मैं उसको क्या अर्थ देता हूँ, वो किसके अकॉर्डिंग आता है, वो अगर मान्यता आधारित है या वो सहज स्वीकृति या समझ पर आधारित है। समझ को भैया जो मुझे समझ अभी आया है वो मैं आपके सामने रखना भी चाह रहा हूँ ताकि मैं अगर कहीं आप मुझे ठीक भी कर सकते हैं कि संबंध का भाव है या विरोध का भाव। जब भी हर पल हम अवेयर है और उसमें हम देख रहे हैं बाहर का जो भी प्रभाव या शरीर की घटना का प्रभाव है उसको मैं क्या अर्थ दे रहा हूँ, वो मान्यता आधारित है या समझ आधारित है। और समझ का जो मतलब है कि मेरे अंदर संबंध का भाव है या विरोध का भाव है, व्यवस्था का भाव है या अव्यवस्था का भाव है, सहस्तित्व का भाव है या संघर्ष का भाव। और ये मैंने महसूस किया भैया भीतर से कि ये इनेट क्वालिटी मेरे अंदर है, सबके अंदर है, कि ये तीन जो कसौटी है इसमें मैं चेक कर सकता हूँ कि इस पल जो भी मेरे अंदर हो रहा है, संबंध का भाव, विरोध का भाव, व्यवस्था या अव्यवस्था या सहस्तित्व या संघर्ष का। तो जैसे ही मैं देखता हूँ भैया कि संबंध का भाव या व्यवस्था का भाव या सहस्तित्व के भाव के अनुकूल मेरा कार्य और मेरा भाव और विचार चल रहा है और उसके बाद मेरा कार्य व्यवहार चल रहा है, तो संस्कारों में भी ऑटोमेटिकली एक परिमार्जन आता है और हमारे जो जो पहले के जो संस्कार हैं जो कि इनके अनुकूल नहीं है उसमें ऑटोमेटिकली परिमार्जन होना शुरू होता है और वो एंश्योर करता है हर पल हमारे भीतर जो हार्मनी है। और यहाँ भी एक भैया जो इस कंटेंट से समझ में आया, मैं हैप्पीनेस, इसके पहले हैप्पीनेस को एक्साइटमेंट की तरह ही समझ पाता था और जैसे कंटेंट से जुड़ा तो ये चीजें कम हुई, तो मुझे एक्साइटमेंट वाली चीजें कम होती गई तो मुझे लगा कि यार मैं तो और न्यूट्रल हो गया हूँ, दुखी तो नहीं हूँ लेकिन न्यूट्रल हो गया हूँ। लेकिन जब मैंने इसको कनेक्ट किया कि हैप्पीनेस इज हार्मनी एट ऑल द फोर ऑर्डर्स, तो भैया रियली मुझे समझ में आया कि मैं रियली अब मेरे भीतर सुख में हूँ, पीसफुल महसूस कर रहा हूँ, एक लेवल का संतोष भी आ रहा है। तो ये सब चीजें अंदर ऑटोमेटिक इस बात को समझने से हुआ और सात सत्र के बाद अभी तीन चार पांच दिन हुए हैं तो पूरे दिन भर के उसमें देख रहा हूँ कि मैं निरंतर, मतलब अभी निरंतर नहीं बोलना चाहिए मुझे, इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन हाँ दुख का भाव नहीं आ रहा है क्योंकि मैं जिस पल भी मेरे अंदर कुछ ऐसी हो रहा है कि दुखी हूँ या वैसा हूँ तो मैं उसी वक्त देखता हूँ यहाँ क्या हो रहा है, तो मैं देख पाता हूँ कि विरोध का भाव है या अव्यवस्था में हूँ या संघर्ष है। तो उस समय मैं उस निर्णय को मैं पढ़ता हूँ, उस निर्णय के अकॉर्डिंग मैं अगर समझ के आधारित अगर उसको निर्णय ले पाता हूँ तो वो वापस एक्सप्रेशन में शरीर के थ्रू जो एक्सप्रेस हो रहा है ऑटोमेटिकली व्यक्त होने लगता है। बात ये समझ में आई भैया कि हर पल हमें अवेयर रह के, और सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ में आई है जो मेरा पहले था एक एजम्पशन की मुझे खुद पे काम करना, लेकिन मुझे समझ में आया कि ये इक्वली इम्पोर्टेंट है खुद पे काम करने के साथ साथ भागीदारी, क्योंकि भागीदारी भी मैं कहूंगा कि दोनों एक पक्षी के दो पंख हैं, ये दोनों अगर बैलेंस होंगे तो वो पक्षी बहुत आगे की उड़ान ले पाएगा, ऊंची उड़ान ले पाएगा। तो इस तरह से बात भैया मुझे समझ में आई है, तो आप सबके सहयोग से मार्गदर्शन से आज परिवार में बहुत ही सुखद स्थिति बनी विद इन 3 मंथ्स, फ्रेंड्स के साथ भी। हाँ कुछ कार्यक्रमों में परिवर्तन आया है, जो प्रोग्राम उस तरह के थे जिन प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन भीतर से क्लियरिटी के साथ समझ में आने से ऑटोमेटिकली हो नहीं रहा है और कोई विरोध का भाव नहीं है, और वही लोग अगर वापस कहीं कनेक्ट करते हैं तो उनके सामने पूरी बात को रखने से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, हालांकि उनके जो प्रोग्राम है वो चल रहे हैं और लेकिन मैं उनके प्रति कोई विरोध का भाव अपने भीतर नहीं देखता हूँ। और जब भी बात होती है तो मैं अपनी बात रखता हूँ, उससे जो उनको ठीक लगे वो उसको रखेंगे, और क्योंकि केवल हमारी फैमिली या जो क्लोज मित्र या यहाँ तक सीमित रहने की बात नहीं है, जो भी व्यक्ति किसी भी कारण से हमारे संपर्क में आ रहा है या AICT का ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है या सोशल प्लेटफॉर्म पे जो काम हो रहा है या कॉलेज में जो मेरी भागीदारी हो सकती है उससे भैया जब एक्सपांड कर रहा हूँ
तो दोनों तरफ से काम हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने महसूस किया, क्योंकि इसके पहले अजम्पशन था कि आइसोलेशन में रह के मौन में रह के ही साधना हो सकती है, लेकिन अभी देखा कि हाँ कुछ घंटे अपने लिए रखो, बाकी भागीदारी में दो, और भागीदारी में भी कहीं हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भागीदारी ऑटोमेटिक होती है जब कोई भी व्यक्ति आपके साथ किसी भी कारण से संपर्क में आ रहा है। अगर आपके अंदर संबंध का भाव है और व्यवस्था तो चल ही रही है, उस व्यवस्था के साथ है या अव्यवस्था में है, तो वो भी हम हर पल कर सकते हैं, और सहस्तित्व का भाव तो बना हुआ ही है। तो भैया बहुत बहुत आभार आप सभी का, और पर्टिकुलरली आपका भैया कि मुझे इस स्थिति तक पहुंचाने में आपकी बहुत मदद रही है, सभी को एक्सप्लोरर की मदद रही है, इतना ही शेयर करना था भैया। थैंक यू सो मच भैया। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही सटीक आपने अपने आप में अपने परिमार्जन को देखने का अभ्यास किया है, और जिस निष्ठा से आप लगे हैं सुबह के सत्र में भी और भागीदारी में भी, उससे आपकी गति और बढ़ेगी। और ये सुनकर भी बहुत अच्छा लगा कि परिवार में हार्मनी बढ़ती जा रही है, बहुत सुंदर शेयरिंग मिला। और कृतज्ञता तो सबके प्रति, पूरी परंपरा के प्रति, हम सब लोग उसी की एक पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात और आगे जानी है जी। बहुत ही बढ़िया भैया, तो थैंक यू भैया, थैंक्स टू ऑल, सभी को एक्सप्लोरर को थैंक्स भैया, क्योंकि सभी के क्वेश्चंस और सबकी शेयरिंग और सबकी एक्सप्लोरेशन हमें मदद करते हैं। बस इतना सा भैया कि जो लोग भी अगर नए जुड़े हैं, तो मैं भी नया ही हूँ, बट अगर हम अपनी इस पूरी निष्ठा के साथ अगर अपना एक्सप्लोरेशन भी करते हैं और हम भागीदारी भी करते हैं और बहुत ज्यादा बाहर की चीजों पर अगर ध्यान, मतलब जो चल रहा है वो चल रहा है, अभी जो आपने स्लाइड पे भी दिखाया हुआ है, जो ब्लैक जो है और जो ऊपर येलो दिखाया हुआ है, ये बहुत छोटा सा फर्क है, लेकिन ये सब हम देख लें, हमारे भीतर हमारे अंदर जीना शुरू हो जाए, और बाहर पे अभी इतना ज्यादा फोकस नहीं करें, पर्टिकुलरली हमारे में परिवर्तन आएगा और हम भागीदारी अगर सुनिश्चित कर पाएंगे, और वो भी विश्वास, रिस्पेक्ट और स्नेह के भाव के साथ, तो बाहर परिमार्जन होगा ही होगा। हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा शिफ्टिंग की जरूरत है भैया, इतना ही लगता है मेरे को, यही मैं अपने सभी को एक्सप्लोरर के साथ शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू भैया। बढ़िया भैया, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन को लेकर, यानी स्वयं में जांच परख को लेकर हम लोगों ने उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया था कि प्रस्ताव हमें जो सामने से आ रहा है उसको हम अपने आप में जांच कर देखें, फिर जी कर देखें, जिससे हमारे अंदर सही समझ सुनिश्चित होती है। अगर हम उसी को मैं के भिन्न भिन्न आयामों से जोड़ कर देखें कि ये जांच परख किस प्रकार से चलती है, तो उसको इस रूप में भी देख सकते हैं। तो जैसे हम सबके अंदर विचार का आयाम, विचार का आयाम मतलब कल्पनाशीलता, ब्लॉक B2, जिसमें हम अभी क्रियाशील हैं ही, और हम सभी मानव के साथ निर्वाह भी कर रहे हैं जिसको व्यवहार कहा, शेष प्रकृति के साथ भी निर्वाह कर रहे हैं जिसको कार्य कहा। तो ये जो हम वर्कशॉप से गुजरते हैं या इस तरह किसी कंटेंट को पढ़ते हैं या इस पर डायलॉग करते हैं, तो क्या होता है कि हमें बाहर से कोई प्रपोजल मिलता है। अब वो प्रपोजल कहाँ जा रहा है, तो हमारे कल्पनाशीलता में जा रहा है, हमारे विचार के आयाम में जा रहा है। अब जब ये प्रपोजल हमें मिलता है तो एक सूचना हमारे पास आती है। अब उस सूचना को मैं स्वयं में जांच कर देखता हूँ, तो जो पिछले डायग्राम में हमने बाईं तरफ वेरिफिकेशन लिखा था कि अपने आप में जांच कर देखें, तो उसका मतलब भी क्या हुआ कि जो मेरे अंदर अनुभव का आयाम है, ज्ञान का आयाम है ब्लॉक B1, उससे मैं रेफर करके देखता हूँ कि क्या वही बात है जो मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल है। तो ये जो मैं उसको रेफर करता हूँ, ये मेरे अंदर जांच परख शुरू हो जाता है। और उसी को जब मैं जी कर देखता हूँ, जो प्रस्ताव मिला, तो एक छोर पे मैं ब्लॉक B1 यानी जो हमारे अंदर अनुभव का आयाम है उसके साथ जोड़ कर देखता हूँ कि मैं संबंध पूर्वक जीना चाहता हूँ या विरोध पूर्वक। तो हमें अनुभव का आयाम से उत्तर मिलता है संबंध पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक जीना चाहता हूँ या अव्यवस्था पूर्वक, तो अनुभव का आयाम से हमें उत्तर मिलता है व्यवस्था पूर्वक। वैसे सहसित पूर्वक या संघर्ष पूर्वक, तो अनुभव के आयाम से उत्तर मिलता है सहसित पूर्वक। तो ये मैं जब जब प्रस्ताव को इधर रेफर करता हूँ, और वो पोटेंशियल मुझ में पहले से ही है, भले वो एक्टिव नहीं है, जो अनुभव का आयाम है ना वो मेरे अंदर बना हुआ है, अभी क्रियाशील नहीं, इतना ही है। तो जब जब मैं इसको रेफर करता हूँ, तो प्रस्ताव हमको जांचने में आता है और इससे अनुभव के आयाम पे काम होता है। उसी को जब मैं बहुत बारीकी से सटीकता से कर पाता हूँ, तो फिर उसमें अनुभव के आयाम में जो क्रियाएं हैं एक एक करके जागृत होने लगती हैं, है ना, भाव स्पष्ट होने लगते हैं, समझ बनने लगती है, किसी पॉइंट पर जाकर उसमें पूर्णता भी हो जाती है अनुभव के साथ। तो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ सामने से आने वाले प्रस्ताव को,
अनुभव के अंक साथ जोड़कर उसी कहा कि अपने सह स्थिति ग्रह पे वेरीफाई कर रहा हूँ और फिर मैं उसको जी कर देखता हूँ व्यवहार में कार्य में। तो अभी मैं व्यवहार करता हूँ उससे कई बार लोग आहत हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, या कई बार मेरे अंदर इतना आवेश होता है कि मैं निर्णय पूर्वक दूसरों को दुखी कर देता हूँ। परंतु जब मैं इस प्रस्ताव को जी कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि जब जब मैं इसकी कल्पना भी करता हूँ मेरे अंदर आराम महसूस होता है, मैं अपने आप में आराम पाता हूँ, मेरे इच्छाओं में द्वंद कम होता है, विचारों में अंतर विरोध कम होता है ना, सुख का आस्वादन होता है। और जब मैं यही बात इसी भाव के साथ दूसरे तक पहुंचाता हूँ तो दूसरे को भी आराम मिलता है उस मन में, है ना, मेरे साथ जीकर वो आराम पाता है, सुख पाता है, ठीक, मेरे साथ वो जुड़ाव महसूस कर पाता है, उसमें संबंध में स्नेह विकसित हो पाता है। तो जहाँ द्वेष और संघर्ष और विरोध चल रहा था वहां पे स्नेह का भाव, विश्वास का भाव, सम्मान का भाव आपस में हम शेयर कर पाते हैं, जिससे हम साथ साथ जीते हुए सुखी होते हैं। वैसे शेष प्रकृति के साथ जो मैं कार्य कर रहा हूँ, देखते हैं कि मैं भी अपनी आवश्यकता को जब ठीक से पहचान पाता हूँ तो अपने अंदर समृद्धि का भाव देख पाता हूँ। कई चीजों में मुझे दिखता है कि पहले से ही अधिक है, जो कुछ कम है उसको पूरा कर लेंगे, ये भी आश्वस्ति रहती है कि मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं अपनी आवश्यकता खुद पूरी कर सकता हूँ श्रम पूर्वक, है ना। और उसको पूरा करने के लिए ना तो किसी से व्यवहार बिगाड़ने की जरूरत है, ना उसको पूरा करने के लिए दुखी होने की जरूरत है। तो मेरी आवश्यकता है शरीर में, शरीर की जो आवश्यकता है सुविधा के रूप में वो सीमित है, उसको मैं सहज विधि से पूरा कर सकता हूँ। तो समृद्धि का भाव तो बनता ही है, साथ में यदि कुछ शेष है तो उसके लिए विश्वास का भाव बना रहता है कि ठीक है उसको पूरा कर लेंगे, जो कुछ शेष है ना सहजता से पूरा कर लेंगे। और इसके साथ जब मैं जीता हूँ तो मैं शेष प्रकृति को भी समृद्ध बनाता हूँ, पुष्ट करता हूँ, तो ये जीने में हमको फलित होता हुआ दिखाई देता है। तो हम सभी इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जो पहला डायग्राम हमने ड्रॉ किया था उसी को अगर हम दूसरी तरह से रखें तो ऐसा दिखाई देता है। तो पहले हम उन्होंने ब्लॉक B1 की बात नहीं की थी जब हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन का डायग्राम ड्रॉ किए थे, अब यहाँ पे हम ब्लॉक B1 ब्लॉक B2 इस अर्थ में बात कर रहे हैं। और आगे हम लोग और डायमेंशन जब इसको लिस्ट करेंगे तो दिखेगा कि व्यवहार का जो आयाम है उसको B3 भी कह सकते हैं, कार्य के आयाम को भी एक नया नाम दे सकते हैं ना। तो इस प्रकार से हम अलग अलग विधि से उसी बात को अपने आप में देखने का काम कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हम सबके लिए होमवर्क है कि हम इस बात को देख पाते हैं कि मानव की मूल चाहना तो निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना है। तो इस पूरी बात को समझकर हमारे लाइफ में प्रायोरिटीज कैसे चेंज हुई है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ना? और इससे आकलन होता है कि हम समझ को कितनी वरीयता दे पा रहे हैं। तो हमारे लाइफ में प्रायोरिटी चल रही है, बनी हुई है कुछ, वो तो प्रायोरिटीज में क्या शिफ्टिंग हुआ है। तो अगले 10 साल की जो योजना हम पहले बना के चल रहे थे और अब जो बना के चल रहे हैं इसमें कुछ अंतर पड़ा है कि नहीं। पहले ऐसा हो सकता है सोच रहे थे कि एक मकान में तो रहने लगे हैं, है ना, बट कुछ और कमा लें और एक मकान बुक करा लें तो हमारे बच्चों के लिए पर्याप्त हो जाएगा, फिर निश्चिंत हो जाएंगे। अब अपने को दिखता है कि भाई बच्चों के लिए मकान कमा कर रखने की जरूरत नहीं है, बच्चों को समझदार जिम्मेदार बनाने की जरूरत है, स्वावलंबी बनाने की जरूरत है, वो खुद ही अगर आवश्यकता होगी तो मकान खरीद लेंगे। तो अभी जहाँ प्रायोरिटी थी कि और संग्रह कर लें और एक मकान बुक करा लें, उसके स्थान पर ये हो सकता है कि नहीं, बच्चों में सही समझ का विकास होना जरूरी है। जहाँ एक प्रायोरिटी बनी हुई होगी कि बच्चों को इतना पढ़ा लिखा दें कि बच्चे टॉप पे पहुंच जाए, है ना, विदेश चले जाए या है ना कोई ऐसा रैंक पाले कि दुनिया भर में उनका नाम हो जाए, ऐसा पद पाले कि सब लोग उनके पहचानने लगे, ठीक, उनके नाम से मेरा नाम जाना जाए, अब प्रायोरिटी बदल सकती है। अब ऐसा हो सकता है कि हमको दिखता है कि नहीं, ये मुद्दा नहीं है कि वो खूब नाम कमा लें, विदेश चले जाए, खूब पैसा कमा लें, वो सुखी हो जाए, ये मुद्दा है। बच्चे का विवाह करना है तो उसका हमारी प्रायोरिटी ऐसी होगी कि उसी जाति वर्ण में जो भी हमारी मान्यताएं होती हैं ऐसा विवाह कर दें कि कुछ ऐसा फलित हो जाए। अब दिखता है नहीं, मुख्य मुद्दा तो ये है कि दोनों साथ साथ एक दूसरे के लिए पूरक हो पाए, सुखी हो पाए, एक दूसरे को सुखी कर पाए, समृद्ध महसूस कर पाए, एक दूसरे की समृद्धि में सहायक हो जाए। तो हमारी प्रायोरिटीज कई प्रकार से शिफ्ट हुई होंगी, उसको हम नोट कर सकते हैं। वैसे ही ये भी हम देख सकते हैं कि हम अभी अपने स्तर पर समझ के लिए कितना सारा समय और प्रयास लगा पा रहे हैं, संबंध के लिए कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं, सुविधा के लिए कितना समय और प्रयास लगा रहे हैं, और इसमें कोई शिफ्टिंग हो रही है कि नहीं। पहले हो सकता था कि सुविधा के लिए पूरा समय लगा रहे थे, अस्त व्यस्त थके जा रहे थे, संबंध पे ध्यान गया, समझ पे ध्यान गया, तो सुविधा के लिए जो लगाने वाला प्रयास है वो कम हो गया।
इनफैक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि अगर हम ये आकलन कर पाए कि अभी हमें जितना ऐसा लगता है कि आयु है, जितना समय शेष है, उसके लिए और कितनी सुविधा की आवश्यकता होगी, उसका अगर हम आकलन कर पाए, है ना। अगर ये थोड़ी देर के लिए एक इसको एक्सेप्ट किया जाए कि 90 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, अब उसमें कितनी सुविधा की आवश्यकता और हो सकती है, उसका अगर हम कोई आकलन कर लें और ये देख लें कि अभी हमारे पास जो सुविधा है उसमें और कितना जोड़ा जाना आवश्यक है, ठीक, तो भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। इससे हमको दिखाई देगा कि जहां सुविधा को लेकर हमारे अंदर पूरे समय कल्पनाशीलता चलती रहती है, अब हमारे पास बचा हुआ अवसर दिखाई देता है, समय दिखाई देता है, तो और कितने समय हमको और लगाना है और कितने वर्ष और लगाना है ताकि हमारी सुविधा की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हम एक विजन बना सकते हैं। ये भी देख ले कि अभी हम सुविधा के लिए कितना समय लगा रहे हैं ना, संबंध के लिए कितना लगा रहे हैं, सुविधा के और कितना समय हमें लगाना होगा अलग से, सुविधा के साथ निर्वाह तो करेंगे और अलग से और कितना समय लगाना होगा, संबंध के लिए और क्या किया जा सकता है, समझ के लिए और क्या हम प्रयास कर सकते हैं, अभी कितना कर रहे हैं, आगे और कितना कर सकते हैं। और ये भी देख लें कि अभी हमारे जीने के केंद्र में क्या है, मैं या शरीर, ये भी देख लें कि पहले क्या केंद्र में था, अभी उसमें कोई शिफ्टिंग हुई है कि नहीं। तो बहुत सारी बातें हो गई होमवर्क के रूप में। नमस्ते भैया जी। जी नमस्ते। एक जो अभी आप ये बोल रहे थे शिफ्टिंग, कई बार खुद में दिखती है पर कई बार कंफ्यूजन भी दिख रहा है मन में, जैसे लगता तो है जैसे शादी के बारे में अभी क्या है बड़ी शादी लायक, तो वो मन में तो यही रहता है कि नहीं इसी तरह से हो, और समृद्धि का भाव भी दिखता है, जैसे मेरा बेटा भी अभी ICS कर रहे है IDS में, तो अभी वो फाइनल ईयर में आ रहा है, तो मतलब मन में यही रखता है कि नहीं ये सब चीजें उसको समझ वाली ही पहले देनी चाहिए, पर एक सेकंड थॉट फिर आता है कि पढ़ाई की एक एज होती है, अभी तो उसने यदि अपना PG कंप्लीट नहीं किया या कोई कॉम्पिटिटिव के लिए फेस नहीं किया तो वो भी तो स्टैंड होना जरूरी है, क्योंकि ये जो हम सोच रहे हैं ये तो अच्छी ही बात है पर इसमें काम करना है ये भी जरूरी है, पर इसको वक्त लगेगा, पर रहना तो अभी हमको आज की सोसाइटी में भी है, जो आज चल रहा है उससे हम अलग कुछ दुनिया तो बसा नहीं सकते हैं, तो उसको कोप अप करते हुए कैसे मतलब अपने आप को रखा जाए, ये थोड़ा मुझे मेरे अपने अंदर गैप दिखता है। तो इसमें जैसे मैं बेटा को बोलती हूँ कि नहीं अभी PG के लिए आप प्रिपरेशन करो या फिर IAS इस तरह की कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करो, तो कुछ ना कुछ तो आपको सेकेंड ऑप्शन मतलब ये लेना ही है, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन कर लिए और अब बस हम सोचे कि यदि सिर्फ ये कंटेंट से जुड़ रहे हैं और इसी को समझ लें बस हो गया, तो मतलब वो चीज मैं मेरे अंदर ही थोड़ा सा देख पा रही हूँ, स्थिरता नहीं दिख रही है मेरे अंदर कि मैं किस चीज को कैसे लेकर चलूं, वो मैं थोड़ा एक कंफ्यूजन में हूँ, तो मैं आपसे वो समझना चाह रही थी। जी प्रश्न उपयोगी है आपका, विस्तार से चर्चा कल करेंगे, आज समय हो चला है, परंतु इसमें बहुत संक्षेप में अगर रखा जाए, है ना, तो हमको दिखता है कि बच्चे के लिए भी वही प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी है सही समझ, फिर संबंध, फिर सुविधा, अगर एक और दो को पूरा करते हुए चलेंगे तब तो सुविधा की आवश्यकता भी ठीक से हमको सुनिश्चित कर पाएंगे और उसको पूरा कर पाएंगे, है ना, उसको हम पहचान पाएंगे और पूरा कर पाएंगे, एक और दो को छोड़ के चलेंगे तो ना हम सुखी समृद्ध हो पाएंगे ना अगला व्यक्ति।